हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉग इंक्वायरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिसे अभी सामने आप देख रहे हैं, ये मैगी का सन है जिसकी एज 6.5 मंथ हो चुकी है। और ये मैं अपने घर के लिए तैयार कर रहा हूँ। ये वाला जो पपी है, ये वाला, इसका नाम मैंने रखा हुआ है टाइगर। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना कि आपको ये कैसा लगा। टाइगर 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 कमेंट बॉक्स में बताना आपको कैसा रहेगी इसकी ग्रोथ। अभी इसकी जो एज है, अभी 6.5 मंथ ओनली है, क्योंकि जो मेरी पैरी का फर्स्ट लिटर, सॉरी मैगी का जो लिटर हुआ था, उसमें से मैंने एक पपी अपने लिए रख लिया था, अपने लिए, घर के लिए। टाइगर ऊपर आओ, टाइगर नहीं। तो मुझे बताना आपको कैसा लगा है टाइगर। मुझे कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया टाइगर का वीडियो दिखाओ, टाइगर का वीडियो दिखाओ। तो ये रहा टाइगर, और इसकी मदर को भी मैं दिखाऊंगा अभी अगली वीडियो में। और आज की जो एक वीडियो है, इसमें मैं आपको कुछ वीडियो में एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको इसकी, मेरे टाइगर की क्वालिटी कैसी लगी, ग्रोथ कैसी लग रही है। आप इसकी चाहे ईयर देख लो, हेड देख लो, फेस देख लो। और ये भी बताऊंगा मैंने किस डॉग से इसको मेट कराया था, और इसका फादर कौन है। क्वालिटी आपके सामने ही है टाइगर की। ये भी नीचे से पत्थर ला ला के इधर इकट्ठे कर रहा है। अभी बहुत शरारती है ये, इसको कुछ भी चीज़ दिख जाए उसी को तोड़ना, अपनी माँ के पास ले जाना, फेंकना उसके पास ले जाकर, ये हरकतें कर रहा है अभी। बाकी जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा, ऐसे ऐसे सुधर जाएगा। ये नालायक 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 बच्चा है। अरे तू नालायक बच्चा है, नालायक नालायक बच्चा है, तू नोटी बच्चा है, तू संड गंदा बच्चा है, गंदा गंदा बच्चा है, गंदा बच्चा है, गंदा बच्चा है, गंदा बच्चा है। और ये भी मेरे डॉग में एक कलेक्शन है, मेरा टाइगर प्यारा सा। ये मैगी का सन है, ये जो हमारी मैगी है उसका बेटा है, बड़ा बेटा है, ये घर का बड़ा बेटा, बड़ा बेटा है घर का। आप इसके ईयर देख लो, अभी 6.5 मंथ का है, और आप इसके ईयर देखो, इतने ईयर ना आपको बड़े डॉग में भी नहीं मिलेंगे अभी, आप इतने बड़े ईयर। अब इसके 6.5 मंथ का कुल है, कहाँ तक आ रहा है इसके ईयर दिखाता हूँ। देखो आज इसके नोज तक पहुँच रहा है इसके ईयर। देखो नोटी बच्चा है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना आपको मेरा टाइगर प्यारा सा कैसा लगा, ये नटखट बच्चा। और इसकी जो एज है 6.5 मंथ है। और मैं आपको इसमें एक चीज़, एक इन्फॉर्मेशन और देता हूँ। देखिए मैं वीडियो जब बना ही रहा हूँ तो इसमें आपको इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ। इन्फॉर्मेशन क्या है कि अगर आप अपने घर में पप्पी ला रखा है, अगर आपने पप्पी अपने घर में ला रखा है और आप उसे सोचते हैं एज ए उसे स्टड तक अगर तैयार करना चाहते हैं, स्टड का मतलब आप चाहते हैं कि भाई वो डॉग की मेटिंग करे, तो मेटिंग पे लगाने के लिए सबसे पहला जो टाइम होता है, मैं वो बताता हूँ कि वो टाइम क्या रहा है, क्या होना चाहिए, कि आप उसको स्टार्ट कब करें, कि जिससे कि आप जब नेक्स्ट टाइम किसी भी डॉग से मेटिंग कराएं तो आपके डॉग को प्रॉब्लम ना आए, मतलब इजीली मेटिंग कर दे। अभी देखो इसकी एज हो चुकी है 6.5 मंथ, ठीक है। जैसे ही ये 9 से 10 महीने के बीच में अराउंड में आ जाएगा, 9 से 10 महीने में हो जाएगा, तब मैं इसकी पहली मेटिंग कराने की कोशिश करूँगा उस टाइम पे, ठीक है ना। 9 से 10 महीने यानी कि अब से 3 महीने बाद, 3-3.5 महीने बाद, क्योंकि अभी मैं बताता हूँ जो इसकी, देखो अभी जो इसकी नोड है वो फूलने लगी है, मुझे दिख रहा है ये अपनी जो बाहर भी ये कर देता है मतलब, और जो इसका, तो अभी मतलब इसमें ग्रोथ अच्छी खासी हो चुकी है। देखिए आप देख रहे हो, इसमें भी ग्रोथ अच्छी खासी हो चुकी है और नोड भी फूलने लगी है। तो पहली चीज़ तो आप ये देखना कि आपका अगर डॉग अगर अपना नोड फुला रहा है और थोड़ी एक्टिविटी दिखा रहा है, कि एडल्ट वाली समझ जाना, कि एडल्ट वाली एक्टिविटी दिखा रहा है, तो समझना डॉग आपका ठीक है। तो अब जो मैं इसकी मेटिंग जो कराऊंगा ना, वो अब से 3 महीने बाद फर्स्ट मीटिंग में कराऊंगा इसकी, जब ये
9-9.5 महीने के आसपास जब अराउंड हो जाएगा ना, तब मैं इसकी पहली मीटिंग कराऊंगा। उसके बाद मैं इसकी मीटिंग कराऊंगा जब ये 14 महीने का हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप भी इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन ये थी कि अगर आप अपना पप्पी लेते हैं तो मुझे बहुत से क्वेश्चन थे कि भैया हम अपना, तो मुझे बहुत से लोग उसमें कह रहे थे कि भैया हम अपने डॉग को कभी स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करने का तरीका ये, आपका बच्चा अगर 6-6.5 महीने का हो गया है तो 9 महीने का जब हो जाए, 9 से 10 महीने के बीच में अराउंड में जब वो हो जाए, टाइगर ऊपर 9 से 10 महीने का हो जाए, तब आप उसकी पहली मेटिंग करा देना और उसके बाद उसे आप 4 से 5 महीने के बीच में रोक देना, ठीक है। 4-5 महीने के बीच में यानी कि 14 महीने तक उसको रोक देना। 14 महीने बाद आप उसकी मेटिंग स्टार्ट करना और उसके बाद आपका डॉग इजीली मेटिंग करना शुरू कर देगा और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर उसके जो भी रिजल्ट होंगे, प्यारे प्यारे रिजल्ट आएंगे उसके डॉग के। और हाँ, अब ये नहीं कि आप मेटिंग आपने करानी शुरू कर दी, आप करा रहे हैं उसको हर एक दिन छोड़कर, हर दूसरे दिन छोड़कर आप मेटिंग करा रहे हैं। स्टार्टिंग में गैप देकर जरूर मीटिंग कराएं। आप देख लीजिए कि भाई 1 महीने में आप सोच लें कि हमने 1 महीने में 2 मीटिंग करानी है, 3 मीटिंग करानी है, इस तरीके से आप शुरू में इसको मीटिंग कराएं। क्योंकि आप ज़्यादा अगर मीटिंग कराएंगे अपने डॉग की तो उसका जो स्पर्म काउंट है वो कम हो जाएगा और रिजल्ट आने की आशंका भी कम हो जाएगी। तो जितना आप अपने डॉग को रोक के रखेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपके डॉग पर आएगा। और जो डॉग की रिजल्ट की बात कहूँ तो एडल्ट की अगर अच्छा रिजल्ट आपको पाना है तो जब आपका डॉग 2 साल के लगभग आ जाएगा, हो जाएगा, तब आपके डॉग का रिजल्ट आना शुरू हो जाता है अच्छा। तो जब आपका डॉग जब एज आ जाती है ना, एडल्ट एज जो होती है डॉग की 2 साल के राउंड होती है, उस टाइम पर डॉग का रिजल्ट आना शुरू होता है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप स्टार्ट करने में आपका जो स्टार्टिंग टाइम है, जो आप अच्छा जिसमें आपको मीटिंग कराने में प्रॉब्लम ना आए, वो मैंने आपको टाइम बता दिया है। और मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना और मेरे टाइगर के बारे में ज़रूर कमेंट करना कि मेरा आपको टाइगर कैसा लगा, सोना सा टाइगर, ठीक है। अगर आपकी कोई भी कमेंट्स क्वेरी हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और अगर आपने डॉग के पपी सेल करना चाहते हैं मेरे चैनल पर तो मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना। वो जो नंबर है सिर्फ ओनली व्हाट्सअप के लिए है, उसमें आप मुझे व्हाट्सअप करके वीडियो सेंड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।